आज आपकी याद में ये नन्ना सा दिल एक बुझी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके बैठ गया। हर आते जाते साए को बहुत ध्यान से तकता रहा, शायद कहीं इस साए को आप एक चुन्नी की तरह लपेट के ना आ जाएं। हर साए में वो आपका अक्स ढूंढता था, आपके ना दिखने से वो बेजार हो जाता था। हर आहट से वो मचल जाता था, कभी थोड़ा घबरा थोड़ा सहम जाता था। काफी साए उसकी तरफ देख के मुस्कुराए, पर उस नासमझ को तो बस आपकी जुस्तजू थी। अगर उसे कोई और साया पसंद आ जाता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। इस कहानी में एक नया खूबसूरत किरदार आ जाता, पर नहीं, उसे तो आपका ही इंतजार था, सिर्फ आपका। वो अंदर ही अंदर बुदबुदाता रहा, अब बहुत देर हो गई है, अब तो आ जाओ, अब तो ये साए भी बुझ से गए हैं, ये अरमां सुलग से गए हैं। वो एक छोटी सी आवाज में बोला, अब तो आ जाओ, अब तो बस आ जाओ, अब इंतजार मुश्किल है, आ जाओ। जॉन एलिया साहब ने कहा है ना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जानम, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। ना समझ, मैंने अपने दिल पे हाथ रख के बोला, वो जरूर आएगी, कुछ भी हो जाए वो आएगी। तुम आओगी ना, उसके लिए नहीं, तुम मेरे लिए तो आओगी, आओगी।